मम्मी आज मेरा इडली सांभर बड़ा खाने का मन है, बना दो। सच्ची? हाँ। मेरी बेटी इडली सांभर खाएगी? हाँ। कोई नहीं, अभी बना दो, ठीक है? तो आज मेरी बेटी का डिमांड है इडली सांभर खाने का, तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, छोटी सी है। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे हम सूजी ले लेते हैं, 250 ग्राम सूजी है और ये दही है, तो हम इसको भी डाल देते हैं इसमें, तो इसको भी मिला देते हैं अच्छे से। तो हमने दही को मिला लिया है, अब थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि ये सूजी अच्छे से फूल जाए। तो देखिए, तो हमने मिला लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बाद में मिलाएंगे ताकि सूजी नरम हो जाए। इसको हम मिला के रख देते हैं अच्छे से ढक के 10 मिनट के लिए, फिर 10 मिनट के बाद हम इसको बनाएंगे। तो चलो, यहाँ पर मैंने दाल भून के रख दिया, इसको हम सांभर के लिए कुकर में दाल डालते हैं। तो एक कटोरी मैंने दाल लिया था, आपको जितना चाहिए उतना ले लीजिएगा। ये अरहर की दाल है, आप चाहें तो इसमें चने की मतलब मिला लीजिएगा। अरहर की दाल से सांभर बना रही हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से पानी डालूँगी, आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो नमक डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार, और थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, आप चाहें तो हल्दी बाद में ही डालिएगा, मैं डाल देती हूँ। तो चलिए हम इसको पकने के लिए रख देते हैं गैस पे। तो चलिए, यहाँ पे हम छोटी छोटी कटोरी ले ली हैं, हमारे पास इडली बनाने का वो नहीं है, तो इडली मेकर नहीं है, तो हम इसी से काम चलाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, ग्रीस कर देते हैं ताकि हमारी इडली चिपके ना, दो तेल डाल देते हैं सारी कटोरी में। और हाथी से या बर्फ से आप ऐसे लगा दीजिएगा, चारों तरफ अच्छे से लग जाए। तो 10 से 15 मिनट हो गया, ये देखिए एकदम फूल सा गया है सूजी। तो अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिलाएंगे और इसको मिला देते हैं अच्छे से। लम्स बिल्कुल नहीं है और इधर दाल में सीटी आ गई है। तो चलिए अब हम इसमें इनो डालते हैं 1 पैकेट, अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप सोडा डाल दीजिएगा। इसको मिला लेते हैं। तो अब हम सोडा इनो मिला लिए हैं, तो अब इसको हम चम्मच से कटोरी में डालेंगे। आप देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, तो पहले हम 1-1 चम्मच सारी कटोरियों में डाल देते हैं, अगर बचेगा हम दोबारा डालेंगे ताकि बराबर बराबर इडली अच्छे से बने। सारी कटोरी में देखिए बराबर से डाल दिया है पेस्ट को। तो ये है छन्नी, तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में पानी रख दिया है, आप देख सकते हो उबल रहा है, इसके ऊपर हम छन्नी रखेंगे और देखो भाप निकल रहा है, तो इसे स्टीम होने के लिए भापी चाहिए, तो हम इसमें कटोरी रख देते हैं। ये कटोरी हमने देखो लगा दिया इस पे, और अब हम इसको गाड़ी से ढकेंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। ये देखिए हमने थाली से ढक दिया इसको, अब इसे 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। मम्मी खाने को बनने का भूख लगी है। बस बेटी बना रहे हैं, ये देखो अब हम सांभर बनाने के लिए यहाँ पे टमाटर काट लेते हैं पतले लगते करके। ऐसा होना था भाभी, बेचूं क्या? मैंने कढ़ाई को रख दिया गैस जला के, चलो हम तेल डाल देते हैं।
तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों, सरसों का दाना, पानी थोड़ा सा गिरने लग रहा है और ज़रा सा मेथी देखिए स्वाद के लिए और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और इसको इसको चकाएंगे। यहाँ पे हमने दो लाल मिर्ची ली है उसको भी डाल देते हैं और ये दो हरी मिर्ची है उसको भी डालेंगे और कटी हुई प्याज भी डाल देते हैं। वो 10 मिनट हो गया है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं पका कि नहीं पका। ये देखिए तो हम इस चक्कू से चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी चक्कू एकदम साफ निकल आई है। तो अब हम गैस बंद कर देते हैं इडली का और इसको हम नीचे उतार लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी बन गई है इडली। प्याज को हमें जलाना नहीं है पूरी तरह से। तो अब हम इसमें ये देखिए सहजन डाल देते हैं जो कि सांभर में बहुत ही अच्छा लगता है। आपके पास कोई भी सब्जी हो आप डाल सकते हैं। मैंने सीताफल ले लिया है कद्दू तो इसको भी डाल देती हूँ। आप चाहे तो बैंगन आलू आपको जो पसंद हो सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे डालेंगे सीताफल डालेंगे इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे ताकि ये सब्जी अच्छे से गल जाए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमने पहले भी दाल में भी नमक डाला है इसलिए हमें हल्का ही डालना है नमक हिसाब से ताकि इसमें ज़्यादा नमक ना हो। इसलिए हमने नमक डाल दिया है और इसे हम थोड़ा नरम होने तक अच्छे से थोड़ा भून के पकाएंगे फिर इसमें मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इडली बनके तैयार है, एकदम स्पॉन्जी बनी है, एकदम बढ़िया जालीदार इडली बनी है हमारी। तो आप भी ऐसे एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनी है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए अब हम सांभर भी बनाते हैं। देखिए टमाटर और कद्दू थोड़ा गल गया है तो इसमें हम डालेंगे ये है सांभर मसाला, आप देख सकते हो। तो हम इसमें मसाला डाल देते हैं और थोड़ी सी हम स्पाइसी के लिए लाल मिर्च डाल देते हैं, आप चाहे तो डालें या ना डालें। और थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे हम, दाल में तो डाला लेकिन थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें। तो चलिए अब इसको हम मिला देते हैं अच्छे से। और यहाँ पे धनिया की पत्ती है इसको भी हम डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसको थाम देते हैं। तो चलिए हम इसे खोल के देखते हैं। तो अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा सा कलर के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो डालिए नहीं तो मत डालिए कोई बात नहीं। इसे डालने से कलर बहुत अच्छा आ जाता है तो इसको थोड़ा सा डाल दिया एक चम्मच के लगभग। तो इसको भी हम मिला देते हैं अच्छे से और थोड़ी देर के लिए इसको भी हम ढक देते हैं। और इधर हमने इमली को भिगो रखा था, ये देखिए इसको हम बड़े बर्तन में पलट लेते हैं और इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लेते हैं और इसे इसका बीज निकाल के छान लेते हैं अच्छे से और इसमें डालेंगे अभी हम। ये देखिए ये बहुत अच्छे से हो गया है, अब इसमें हम दाल को पलट देते हैं। ये देखिए दाल हमारी अच्छे से पक गई है, आप देख सकते हो। तो दाल को हम इसमें पलटेंगे।
फिर इसको चला देते हैं। और अब ये बहुत ही गाढ़ा है, इसमें हम पानी भी डालेंगे। तो पहले हम ये इमली जो हमने भिगोया था इसको भी हम डाल देते हैं। इसको हमने छान लिया है बढ़िया से, फिर भी देखिए इसे थोड़ा सा बचा के डालिएगा। कितना भी साफ करो थोड़ा अटक ही जाता है, तो पानी भी हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें। तो चलिए अब हम इसमें खट्टापन को बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं इसमें। आपके पास गुड़ नहीं है तो चीनी डाल सकते हो। तो अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे, फिर आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए सांभर बनके एकदम तैयार है। आपको जितना गाढ़ा पतला चाहिए आप बना लीजिएगा। तो अब हम गैस को बंद करते हैं और आपको निकाल के दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही जल्दी से बहुत आसान तरीके से इडली बनाया घर पे, आप भी बना सकते हो। और ये सांभर हमने बनाया तो मेरी बेटी की फरमाइश थी, तो मैं अपने बेटी को खिलाने ले जा रही हूँ। मेरी बेटी सोने गई है, वो जल्दी सो जाती हैं, तो दिन हो या शाम हो तो वो जल्दी सोती हैं, इसलिए मैं उसे खिलाने जा रही हूँ। नहीं तो खाएगी नहीं तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो आशा करती हूँ कि आपको ये इडली और सांभर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर इसी तरह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।